हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 11 से रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। एक स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, तो लिखिए। देखते रहा लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर डोमेन, पुट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए रहा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर देखिएगा 16 को उधर ले जाते हैं। जब भी हम वेरिएबल से नेगेटिव साइन हटाते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है। देखिए जरा, अब एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस फोर। और इसको अगर मैं सही से रीअरेंज करना चाहूं तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर एंड लेस देन इक्वल टू फोर। तो ये थोड़ा डोमेन गया। नाउ रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए हमें एक स्टेप याद रखना है कि जो भी हमारा फंक्शन है वहां से आप पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इसे y के इक्वल लेट किया और यहां से x का वैल्यू निकाल दिया। देखिए ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, जहां से मुझे x का वैल्यू निकालना है ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 16 माइनस फाइव स्क्वायर। फिर से स्टेप रखते हैं फॉर रेंज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलिए x का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस फाइव स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आगे देखिए स्टेप्स। फिर वही स्टेप, अगर मैं इनइक्वालिटी से नेगेटिव साइन हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट y इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस फोर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो y है उस पर स्क्वायर लग रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप डालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इट मींस जो रेंज है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो आप लिखोगे y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इज इक्वल टू फोर। Now this is my range. That's all. हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और आप हमें अपना क्वेरी भेज सकते हैं, आप अपना क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mittal.deltainstitute@gmail.com। क्वेरी भेजते समय आप अपना नाम, अपनी क्लास और अपनी जगह कहाँ से आप हमें क्वेरी भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। That's all.